Cuprum mat, where do we end studies of the cuprum? Cuprum किस कहाँ से लाया गया? ये animals chronic disease और herring bacteria medica में. मेटल कपर से बना हुआ है कुप्रम मेटालिकम. हाउ यू टू प्रिपेयर टाइट्रेशन ऑफ द प्रिपेशन मेटल मेंटल जनरल मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन फ्रॉम द ओवर एग्जॉशन ऑफ द माइंड एंड लॉस ऑफ स्लीप. कोकुलस भी है नक्स भूमिका भी है. लॉस ऑफ स्लीप कोकुलस एंड नक्स भूमिका. अटैक ऑफ अनकंट्रोलेबल एंजाइटी बहुत ज्यादा चिंता और परेशानी से ग्रस्त पेशेंट मेंटली बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला और ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप इसका है मेंटल जनरल. फिजिकल जनरल बैड इफेक्ट ऑफ रिप्रोड्यूस इरप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेन इफेक्शन स्पाजम कन्वर्शन वॉमिटिंग एंड सप्रेस्ड. बार बार उसके अगर दाना होता है बार बार उसको दाना और इरप्शन होता है जिसको दब जाने के कारण उसको ब्रेन में दर्द क्रैम्प आना उल्टी होना और पैर में पसीना आना. माउथ ए स्ट्रॉन्ग स्वीटिश मेटालिक कॉपर टेस्ट इन द माउथ विथ फ्लो ऑफ सल्विया. उसके लार जो निकलेंगे सल्विया जो निकलेंगे उसमें मेटालिक टेस्ट कपर जैसा टेस्ट रहेगा. कॉन्स्टेंट प्रोस्टेशन एंड रिट्रेक्शन ऑफ द टंग लाइक ए स्नेक. सांप की तरह लगातार जीभ करते रहेगा. देन यू थिंक द कपर मेटालिकम्स. जीभ आ रहा जीभ हमेशा अगर उधर घूम रहा है उसका तो सोचना है कुप्रम मेटालिकम को. माउथ पैरालिसिस ऑफ द टंग इम्परफेक्ट स्टैमरिंग ऑफ स्पीच. जीभ के पैरालिसिस के कारण उसका हकला के बात करना. While drinking the fruit descent with a gurgling sounds. पीते समय तरल पदार्थ उसको गड़गड़ाहट का आवाज उतरते हुए गड़गड़ाहट का आवाज सुनाई देना. कितने पेशेंट आते हैं जो थे पानी पीने से उसको पूरा आवाज मालूम पड़ता है. That is cuprum mentalicum. Cholera morbus and acidic cholera with a cramp in the stomach, abdomen and calves. पैर के calf मसल में cramping होना बहुत पेशेंट आता है. जनरली लोग बोलते हैं कि न्यूरोबिन खाओ विटामिन खाओ बट कुप्रम मेट इज योर मेडिसिन. हजारों कैसी से है जब पेट के रोगों में पिंडलियों में एटन के साथ में इस तरह का जो ये जो सिम्टम है टमाटर के गच में भी पत्र मोड़ने वाला बीमारी बैगन में भी पत्र मोड़ रहा है मिर्चे की बीमारी में प्लांट में भी अगर पत्ता मुड़ जा रहा है दैट इज एटन दैट इज क्रैम्प. अगर मुड़ जा रहा है तो यू कैन स्प्रे दिस मेडिसिन इन फॉरिन प्लांट ऑल्सो इट विल ऑल्सो गिव यू गुड रिजल्ट. ठीक है ओके. तो हैजा रोग या बहुत ज्यादा हैजा में पेट और पैरों के पिंडलियों में क्रैम्प आना. आफ्टर पेन सीवियर डिस्ट्रेक्शन इन काफ एंड शोल्स. दर्द के बाद पिंडलियों और तलों में बहुत गंभीर दर्द होता है बहुत कष्टदायक होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम कफ हैज गर्गलिंग साउंड एज इफ वाटर वाज बीइंग पोर्ड फ्रॉम द बोतल. खांसी में गड़गड़ाहट की आवाज आती है जैसे कि बोतल में पानी डाला जा रहा है खल 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 आवाज आ रहा है. इसका खांसी एम्बुलेशन बाय ड्रिंकिंग एंड कोल्ड वाटर. ठंडा पानी पीने से इसकी खांसी कम हो जाना. कॉस्टिकम बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर स्पॉन्जिया. मैंने ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर अगर बढ़ने से कॉस्टिकम और स्पॉन्जिया है. रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हीपिंग कफ लॉन्ग लास्टिंग सफोकेटिंग स्पाजमेटिक कफ अनेबल टू स्पीक ब्रेथलेसनेस ड्यू टू फेस ब्लू फेस रिजिड स्टेट थ्री अटैक्स सक्सेसिवली वोमिटिंग ऑफ सॉलिड फूड्स आफ्टर लैगिंग ऑफ कॉन्सियसनेस एंड कैटलिप्टिक स्पाजम विथ ईच स्प्रैक्सम. जितना बार खांसी आगे स्पाजम होके आता है काली खांस लंबे समय तक चलने वाली दम घुटने वाली एठन वाली खांसी बोलने में असमर्थ बेदम नीला चेहरा कठोर कठोर लगातार तीन बार उसको हमले टाइप तक होश में आने के बाद में ठोस भोजन की उल्टी प्रत्येक
टैरेक्सियम के साथ कैटालेप्टिक एठन, हर बार खांसी का अटैक आएगा उसको एठन जैसे महसूस होगा, स्पाजमोटिक। एक्सट्रीमिटीज, क्रैम्प्स इन एक्सट्रीमिटीज, पेन सोल काफ विद द ग्रेट वीकनेस ऑफ द विल, हाथों पैरों में एठन, अंगों में अत्यधिक थकावट के बाद में तलवे और पिंडोलियों में दर्द होना, ठीक है। फुफड़ों में नर्वस सिस्टम, स्पाजम एंड क्रैम्प्स सिम्टम्स डिस्पोज्ड टू अपीयर पीरियोडिकली एंड इन ग्रुप्स, एठन हमेशा समय समय पर आना और एक साथ बहुत जगह क्रैम्प आ सकता है, इस पैर दो पैर दो तीन पैर में, इस साइड में दोनों पैरों में हाथों में कहीं भी क्रैम्प आ सकता है। न्यूरो सिस्टम, कन्वल्शन विद ब्लू फेस एंड क्लिंच थंब्स, इसका कन्वल्शन के समय में ब्लू चेहरा हो जाएगा और हाथ पूरा ऐसा मोड़ लेगा, बिछे हुआ मोड़ माने क्लेश थंब्स। न्यूरो सिस्टम, कोलोनिक स्पाजम बिगनिंग ऑफ द फिंगर्स एंड द टॉयज एंड स्प्रेडिंग ओवर इंटायर बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पल्पिटल कन्वेशन आफ्टर फ्राइड वैक्सेशन फ्रॉम द मेटास्टेसिस फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द ब्रेन। क्रोनिक एठन उंगलियों और पैर की उंगलियों में शुरू होकर के शरीर पर फैलती है गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के पूर्ण अच्छे मतलब डिलीवरी के पहले कन्वल्शन आना, डर या झुंझलाहट अन्य अंगों में मस्तिष्क तक ब्रेन में मेटास्टेसिस होने का शिकायत होने, मेटास्टेसिस कहां पर होगा, ब्रेन में, दैट इज जिंकम मेटालिकम एंड क्यूप्रम मेटालिकम, मतलब आप कैंसर में भी यूज हो सकता है। एपिलेप्सी और बिगन्स नीज एंड स्कैम्स एग्रेवेशन एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप एक गुफो भी है एंड कुप्रम भी है। अबाउट न्यू मैन एंड रेगुलर इंटरव्यू मेंसेस ड्यूरिंग फ्रॉम ए फॉल ऑफ ब्लो ऑन द हेड फ्रॉम द गेटिंग वेट मिर्गी, इसका जो भी होगा इसका जो डिस्चार्ज घुटना से स्टार्ट होता है और घुटना से होकर ऊपर उठता है और रात को सोते समय यह जनरली होता है, जो लेगेसिस भी है गुफो भी है, अमावस्या के बारे में अमावस्या के दिन यह होता है, यह नियमित अंतराल पर होती है जो मेंस के समय में, और सिर में अगर झटका लगने से पानी से भीगने के बाद में अगर एपिलेप्सिक फिट होता है तो। मोडालिटीज, एग्रेवेशन कोल्ड एयर कोल्ड विंड एट नाइट सप्रेस्ड फूड फिट और एक्जेंटमा, एमिनेशन नशिया वॉमिटिंग एंड कॉफ बाय द स्वालो ऑफ कोल्ड वाटर, रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू कैल्केरिया कंपेयर आर्सेनिक एंड वेट्रम इन कोलेरा एंड कोलेरा मॉर्बस इपिका द वेजिटेबल्स एनालॉग बैक्ट्रम फॉलोज वेल इन व्हीपिंग कप एंड कोलेरा एपिस एंड जिंक इज कन्वर्सन फ्रॉम द सप्रेस्ड जेंथेमा। दैट इज क्वेश्चन, गिव द जनरल फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द कुप्रम, कुप्रम फिजियोलॉजिकल एक्शन उसका क्या है। इन जनरल कुप्रम कॉजेस क्रैम्प्स डिशनिया कोल्डनेस ऑफ द बॉडी कन्वल्शन एंड इन्फ्लामेटरी कोलिक एक्सेट्रा। सेकेंड, गिव द जनरल फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द कुप्रम, दैट सेम थिंग द जनरल कुप्रम कॉजेस इन क्रैम्प्स एंड डिशनिया एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी कन्वल्शन इन्फ्लामेटरी। What are the indication for the cuprum in cholera? Coldness and blueness of the surface of the body. Cholera patient में अगर coldness है, blueness है, cramp of the muscles, those of the calf and things are drawn into knots, there is a distress in the pit of the stomach and dyspnea. Give the indication of the cuprum in colic. Knife like violent pain in the abdomen. चक्कू से काटने जैसा पेट में दर्द, which are better from the pressure. Pressure देने से ठीक रहेगा, जैसे कोलोजन भी है लेकिन नाइफ लाइक वायलेंट पेन कोलोजन में नहीं रहेगा। बट आर नो बेटर फ्रॉम द हीट, देयर इज अ न्यूरालजिया ऑफ ऑल द एब्डोमिनल नर्व्स एज इफ द नाइफ वेयर ड्रॉन थ्रू द बैक, कोई पीछे से चक्कू मार दिया है इस तरह का मालूम पड़ना। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर कुप्रम इन स्पाजम, when from the suppressed eruption violent delirium there is a blueness of the face and lips, the eyeballs are in disturbed distorted and there is a frothing at the mouth and there may be ushered in by the astric of the crack convulsion following cholera. What is the
What is their characteristic of cough and the chlorine? It is relieved by drinking of cold water. Cold water also relieves the vomiting. Whooping cough, the attacks of vomiting from the quick sensation relieved by the drink of. इसके सारे कफ ठंडा पानी पीने से रिलीफ हो जाते हैं. फोकेशन वाटर एक्यूपेंट में परहेप्स बाय स्पाजम एंड रिटेनिंग दी सफोकेशन. सेकेंड, व्हाट अदर ड्रग्स इन कॉफ रिलीव्ड बाय ड्रिंक ऑफ वाटर, दैट इज कॉस्टिकम. ठीक है, व्हाट इज द चीप इंडिकेशन फॉर क्यूप्रम आर्सेनिकम. टेरिबल एंट्रोलिस ऑफ द एब्डोमिनल न्यूरल्जिया विद अ ग्रेट रेस्टलेसनेस. पेट में दर्द के साथ में बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस रहेगा क्यूप्रम आर्स में. अब क्यूप्रम मेटल का रिमेंबर्स क्या करेंगे. क्रैम्प बिगिंस इन द फिंगर टॉयज एंड देन स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. एपिलेप्सी है तो ऑरा बिगनिंग इन नी एंड देन असेंडिंग अपवर्ड्स. इन बिटवीन द अटैक देयर इज अ ग्रेट रेस्टलेसनेस स्लिमी मेटालिक टेस्ट इन माउथ. ओके, we are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.